अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रोशे विद शाहीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वुलन थ्रेड यूज़ करते हुए हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं। स्मॉल सा है, क्यूट सा है, इंशाल्लाह पसंद आएगा आप लोगों को। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं। क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ 10.75 mm। तो स्टार्ट कर लेते हैं। अपनी इस थ्रेड को अपने दुपट्टे से अटैच करेंगे। यहाँ पर हम 3 चेन्स लेंगे, 1, 2, 3। 3 चेन्स लेने के बाद देखिए, इसको ऐसे हम स्ट्रेट करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा गैप देते हुए, ये वी शेप में आ रहा है, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया ले लेंगे। 1 लूप को क्लोज कर लेंगे, 2 लूप्स को क्लोज कर लेंगे, 2 लूप्स को क्लोज कर लेंगे। ये 1 डबल क्रोशिया हो गया हमारे पास। अब सेम प्लेस में ही हमने और डबल क्रोशिया ले लेना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। 9 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर ले लेने हैं। ये देखिए, अब हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 चेन्स लेंगे। 5 चेन्स लेने के बाद हम इसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद देखिए, 1, 2, 3 थर्ड स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया लेते हुए इसे अटैच करेंगे। अगेन हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 चेन्स लेनी है। 5 चेन्स लेने के बाद 1, 2 स्टिच स्किप करेंगे, थर्ड स्टिच में सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 5 चेन्स लेंगे। अभी देखिए, ये 2 स्टिच छोड़ने के बाद ये थर्ड हम इस वाले स्टिच में डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया लेते हुए इसे अटैच करेंगे। अगेन हम इसे टर्न कर लेंगे। देखिए, अब हमने यहाँ पर 1, 2 चेन्स लेनी है। 2 चेन्स लेने के बाद इस स्पेस में डबल क्रोशिया ले लेना है। 1 लूप को क्लोज करना है, 2 लूप्स को क्लोज करना है, 2 लूप्स को क्लोज करना है। 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2, 3, 4 एंड ये लास्ट है हमारे पास 5। 5 डबल क्रोशिया ले लेंगे। 5 डबल क्रोशिया लेने के बाद 2 चेन्स लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, अब अगेन हम इस स्पेस में सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। 1, 2 चेन्स लेंगे। 2 चेन्स लेने के बाद इसी स्पेस में ही हम 1, 2, 3, 4 एंड ये लास्ट है हमारे पास 5। 5 डबल क्रोशिया लेंगे। 1, 2 चेन्स लेंगे, सेम स्पेस में ही सिंगल क्रोशिया लेते हुए अटैच करेंगे। अब नेक्स्ट इस स्पेस में सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। 1, 2 चेन्स लेंगे। 2 चेन्स लेने के बाद यहाँ पर भी हमने 5 टाइम डबल क्रोशिया ले लेना है। 1, 2,
टू थ्री फोर एंड ये लास्ट है फाइव। फाइव डबल क्रोशिया लेने के बाद वन टू टू चेन्स लेंगे और इसी स्पेस में सिंगल क्रोशिया लेते हुए इसे अटैच करेंगे। वन टू थ्री, थ्री चेन्स लेंगे। थ्री चेन्स लेने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम थोड़ा सा गैप देंगे और गैप देके इसे सिंगल क्रोशिया लेते हुए अटैच कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह का फ्लावर रेडी होगा, बहुत ही क्यूट सा बना है। अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। ओके, अब हमने यहाँ पर वन टू थ्री, थ्री चेन्स लेनी है। थ्री चेन्स लेने के बाद यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया लेना स्टार्ट कर लेने हैं नाइन टाइम। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये वही प्रोसेस है जो हमने यहाँ पर किया था और इस तरह बनाते हुए हम अपने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। मैं बना के आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि बनके ये कैसा दिखता है। जी तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है इसकी फाइनल लुक। आई होप कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अब आप बनाइए इसे अपने नेक पे, स्लीव्स पे, दामन पे, ट्रेडिशनल ड्रेसेस पे, उसके अलावा साड़ी पे, कहीं भी बना सकते हैं। और फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह हाफिज़।